नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवा चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पर जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है ये है इटालियन फिरोजा और ईरानी फिरोजा के अंदर क्या फर्क है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इस एपिसोड के अंदर क्लियर की जाएंगी जो लोगों के डाउट हैं रिलेटेड टू दैट। एक और चीज मैं साथ में जोड़ देना चाहता हूं कि जब भी आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लें पहले कि फिरोजा कोई भी हो, लैब टेस्टेड होना बहुत जरूरी है। विदाउट लेबोरेटरी कार्ड अगर आप इसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं चाइनीज फिरोजा के आप शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं इटालियन और ईरानी फिरोजा के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं बता दूं, ये दोनों अलग अलग कंट्री के फिरोजे हैं। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, एक इटली का है और एक ईरान का है। इस चीज को तो पहले आप ये समझ लें, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। अब इटालियन जो फिरोजा होगा दोस्तों, स्काई कलर का होगा, थोड़ा सा डार्क भी आता है, लाइट स्काई ब्लू आता है इसमें, और ये प्लेन फिरोजा होगा, यानी इसके ऊपर निशान, दाग, धब्बे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर। और ये अगर आप इसे हाथ के साथ स्पर्श करेंगे तो ये ऐसे होगा जैसे चिकना होता है। अब बात करेंगे ईरानी फिरोजा की, तो मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, जो ईरान का फिरोजा है, ईरानी फिरोजा जैसे बोल रहे हैं, इसके ऊपर धारियां होगी। अगर आप ओवरऑल पूरे का पूरा फिरोजा देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाइनें जरूर होंगी जो कुदरत द्वारा बनाई गई हैं। ये मैन मेड नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, इस चीज को समझ लें, ये कुदरत द्वारा बनाई गई हैं। और इसके भी फायदे हैं, वो भी आपको इस एपिसोड के अंदर क्लियर किया जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो मैं यहां पे बता दूं दोस्तों, रिजल्ट के अंदर अगर हम लेते हैं तो दोनों के अंदर जो रिजल्ट आएगा, देखिए दोनों अपने आप में बड़े जबरदस्त हैं, ईरानी भी है, इटालियन भी है। 1921 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी कि ना के बराबर ही आपको दोनों के अंदर रिजल्ट का फर्क आएगा। अब दोनों जो स्टोन्स हैं, ईरानी हो, इटालियन हो, इनका जो मेटल है वो चांदी है, यानी सिल्वर में ही पहना जाता है इसे। इसे आप रिंग बनवा के भी डाल सकते हैं, हाथ में ब्रेसलेट भी डाल सकते हैं और गले में इसका पेंडेंट बनवा के भी डाल सकते हैं। अब अगली बात, शेप कैसी होगी दोनों की, तो दोस्तों मैं बता दूं, दोनों की शेप जो होगी
बिल्कुल सेम शेप के होंगे, क्योंकि ओवल शेप आती है इसमें, स्क्वायर बहुत कम आता है, जो आता है वो ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, और रिंग पहनने में अगर आप ब्रेसलेट लेंगे या गले में पहनेंगे तो ओवल ही आता है। और अब बात करते हैं वेट की, तो वजन भी लगभग सेम ही है। जब एक ही आप इसे पैमाने के ऊपर तोलेंगे तो दोनों के आकार और वजन सेम ही होंगे। बात करेंगे लेबोरेटरी टेस्टेड, मैंने बताया था कि इसका जो लैब होना बहुत ज़रूरी है। इसको इंग्लिश के अंदर टर्कवाइज बोला जाता है, और इसकी ग्रेविटी बिल्कुल सेम ग्रेविटी आएगी, 2.72, 2.80, 2.85। ग्रेविटी जिन दर्शकों को नहीं पता मैं बता दूं, ग्रेविटी सोल होती है उस पत्थर की, जान होती है जो वाकई आपको गैलेक्सी से, यूनिवर्स से, उस पत्थर की जो ग्रह है उसकी किरणों में, उसकी रश्मियों में वो नीचे आएगी और हमें उसका फायदा मिलेगा, यानी चुंबकीय शक्ति जिसे बोला जाता है। अब मैंने आपको बताया है, अगली बात जो आती है रेट की बात आती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं वीडियो के अंदर, रमन जी आप रेट के बारे में जरूर बताएं। रेट देखिए मैं आपको यहां पे बता दूं, जब वीडियो बनता है तो वीडियो के अंदर अगर हम बात पुखराज की करेंगे तो 17-18 तरह के पुखराज दिखाए जाते हैं, तो 18 के 18 के रेट तो बताने बड़े मुश्किल हैं। तो इस चीज को पहले आप समझ लें। अब बात करेंगे ईरानी महंगा है या इटालियन महंगा है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दोनों ही महंगे स्टोन हैं, सस्ते नहीं हैं, लेकिन ईरानी थोड़ा सा इटालियन से महंगा ही है। अब मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ चल रही है कि दोनों के पेंडेंट या दोनों की रिंग्स आपको लगभग 500,000 के अंदर विद रिंग, विद ये सब मिल जाता है, जो नेट के ऊपर भी हमने इस चीज़ को देखा है। और ओवरऑल आपको बता दूं, वो चाइनीज़ है, फेक है, उसका कोई वजूद नहीं है, वो 1-2 रुपए के पत्थर हैं, डालिए घूमिए। अच्छा, वो एक और चीज़ मैं साथ में जोड़ दूं, सिल्वर भी वो ओरिजिनल नहीं है, उसे गिल्ट बोलते हैं। गिल्ट यानी 5-10 रुपए की चीज़ है। ओवरऑल अगर हम 1,000 रुपए का आपको मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी कीमत 5-10 रुपए भी नहीं है। तो यही धांधलेबाजी, यही चीटिंग जो होती है, ये रत्नों के ऊपर से हमारा विश्वास बिल्कुल उठा देती है। हमें ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार जेमोलॉजी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, ये फालतू वाली बातें हैं। मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप एक बार जेमस्टोन एक्सपर्ट की राय के अनुसार पत्थर पहन लें, फिर बताइएगा मेरे को कि वो पत्थर ने रिजल्ट दिया या नहीं दिया, वो स्टोन आपको कितना सूट करेगा। आई हैव नो वर्ड्स, मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन पत्थर ओरिजिनल होना चाहिए, एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है सोने पे सुहागा होगा ही होगा। अब हम बात करेंगे दोनों के रिजल्ट्स की, तो मैं बता दूं जैसे मैंने बताया है, देखिए इसको 4-5 ग्रहों के साथ कनेक्ट किया जाता है, शुक्र ग्रह के साथ जोड़ा जाता है, शनि के साथ जोड़ा जाता है, राहु केतु के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो पत्थर है, फिरोजा है, ईरानी हो इटालियन हो, इसका वैसे तो ओवरऑल कोई चार्ट, कोई कुंडली किसी के साथ लेन देन नहीं होता है। दुनिया का प्रत्येक बंदा, यानी एवरीबॉडी कैन वेयर दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स के अंदर सबका बाप माना जाता है, इसको पत्थरों के अंदर ये टॉप श्रेणी के पत्थरों में आता है। मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर ये बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं। अब बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो मैं बता दूं एक चीज मैं साथ में जोड़ दूं, इसे अपनी भाषा में बोला जाता है कि ये एक तरह का फरिश्ता है जो आपको हर जगह, हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत से बाहर लेकर आ जाएगा। फिरोजा की खासियत है दोस्तों, फिरोजा जब भी आप पहनेंगे
अगर आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, अगर फिरोजा ओरिजिनल हुआ तो वो अपना कलर पीला कर लेगा, आपको पहले ही इंडिकेशंस दे देगा, यानी प्रॉब्लम आने ही नहीं देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर कोई मृत्यु तुला कष्ट आने वाला है तो फिरोजा दो पीस हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इसकी खासियत है। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी देख चुका हूं और जो हमारे पास जितने भी लोगों को डलवाया है उनके एक्सपीरियंस भी है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया था कि मेरे पास एक ऐसा फिरोजा भी है जो मैंने भी पहना था और उसका कलर पीला हो चुका था और आज भी अवेलेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत की अगर आप सबको जरूरत है, आपको लग रहा है कि हमें ये सारी चीजें इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं मिल रही हैं, तो सोचिए ना, अभी इसी वक्त फिरोजा पहनिए और ओरिजिनल फिरोजा पहनिए, मैं यहां पे बोलूंगा। अगर फेलियर का ठप्पा लग चुका है तो एक बार फिरोजा पहन के देखिएगा। बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स ने, बहुत बड़ी बड़ी सेलेब्स ने फिरोजा पहना है और अपनी जिंदगी चेंज करी है। बॉलीवुड के अंदर मैं आपको यहां पे बता दूं, लगभग ऐसे भी नाम हैं, ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने फिरोजा अपना दिखाया भी है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने गले में पेंडेंट पहना हुआ है, लेकिन पहना सबने है। काम की जरूरत सबको है, नाम की जरूरत सबको है, नेम फेम हर बंदा चाहता है, पैसा हर बंदा चाहता है। तो ये आज का जो एपिसोड है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ इटालियन और ईरानी फिरोजा के अंदर की जो बातें थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो आज इस एपिसोड के अंदर क्लियर करने की पूरी कोशिश की गई है और आगे भी ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी तरफ लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड था? आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता। ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जिमलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए, आज भी मेरी रूटीन है, मैं एक या दो घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप एक दो घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं। अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाई एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना। ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी, तो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों, ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल, लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा, वो डमी है माय डियर, डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये जो नंबर है, द नंबर इज 9872649 वन ऑफ द बेस्ट नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें, आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा।
आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है, दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है, हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है। लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर इंस्टा फेसबुक ऑल एफएम ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।